मौसम को खुशनुमा कर देता है, वैसे ही वो परेशानियों का कारण भी है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मच्छर हैं या और कीट हैं, उनसे होने वाली जो बीमारियां भी अक्सर बढ़ जाती हैं। और एक और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो है रेस्पिरेटरी, यानी हमारी फेफड़ों से संबंधित इश्यूज, वो भी इस मौसम में पनपना शुरू कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दौरान हवा में, वातावरण में नमी भी ज्यादा होती है। नमी की वजह से जो हमारे प्रदूषण के कण हैं, वो उस नमी के साथ जुड़कर हवा में काफी देर तक बने रहते हैं। और जब हम उस हवा को अंदर ले जाते हैं अपने श्वास नली के द्वारा, तो वहां और वो हमारे मार्ग से जाते हुए हमारे फेफड़ों में इरिटेशंस का कारण बनते हैं, जिसे हमें कफ या जो भी स्पोरैडिक कफ कह दीजिए, या फिर म्यूकस का बनना, या फिर सूजन, वो शुरू हो जाता है, जिससे हमें श्वास संबंधित दिक्कतें वो पनपना शुरू हो जाती है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि नमी के बढ़ने से जो हमारे वातावरण में पॉलन ग्रेन्स हैं या मोल्ड्स हैं, उनका इन्फेक्शंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लेने से जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो शुरू होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मैं जब इस मौसम में, जब मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है, तब मुझे नाक से पानी आना या आंखों से पानी आना, या लगातार सुबह छींके बनी शुरू हो जाती हैं, और काफी देर तक वो चलता है, यानी उससे हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो प्रभावित हो रही है। तो इस मौसम में मैक्सिमम इन्फेक्शन हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यू है, वो इस मौसम में उसी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो मौसम है, किसी भी व्यक्ति, कोई हेल्दी होता है उसको भी, या कोई एस्थमेटिक है उसको भी इक्वली अमाउंट में प्रभावित करते हैं। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं फोकस करूंगी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रभावित होती है। वो क्यों प्रभावित होते हैं? भले वो एलर्जीज की वजह हो, भले वो हमारे पॉलन ग्रेन्स हो, भले हमारे जो मोल्ड्स हो, या और भी इन्फेक्शन हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो कैसे प्रभावित करते हैं? ये जितने भी बाहर से जितने भी कारण, हम उनको फॉरेन एजेंट्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी होता है, यानी कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो सकता है जो हमारी रेस्पिरेटरी इश्यूज, जो हमारी ब्रीथिंग इश्यूज में दिक्कत करेगा। जैसे ये हमारी श्वास नली के अंदर जाता है, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो नली होती है, वो नैरो होना शुरू होता है। नैरो यानी संकुचित होना शुरू हो जाती है। अब जो दायरा था पहले बड़ा था, अब वो दायरा छोटा हो गया, तो उसमें जो हवा जा रही है उसकी मात्रा, जो ऑक्सीजन यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो फेफड़ों को मिलने वाली मात्रा भी ऑक्सीजन की कम हो जाती है। तो यानी शरीर में जितने भी अंग हैं उनको मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो गई, तो वो अपना जो फंक्शनिंग है वो कम करेंगे। और सबसे पहला ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो हमारा लंग्स होता है। अब लंग्स के प्रभावित होने से वहां पे सूजन भी हो सकती है, म्यूकस भी यानी श्लेष्मा भी पैदा हो सकती है। काफी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं श्लेष्मा कफ बनता रहता है, वो इसी वजह से बनता रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कारण है वो लगातार जा रहा है, आपके फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। आपको खांसी, व्हीजिंग साउंड भी हो सकता है, ड्राउजीनेस भी हो सकती है, डिजीनेस भी हो सकती है, म्यूकस भी बन सकता है। तो यानी हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड कितने ही इश्यूज पनपना शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी है हमें अपने जो बॉडी पे ध्यान देने की, तो सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ गार्ड रखना है, तो हमें हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, जो हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम इन्फेक्शन जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो वहां पे ज्यादा फैलते हैं। ब्रीजिंग के माध्यम से वायरल है, बैक्टीरियल है, वो इन्फेक्शन ज्यादा पनपते हैं। और हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें, और पब्लिक प्लेसेस में जाने से पहले मैं यही कहूंगी कि आप सब अमूल्य मास्क का भी प्रयोग करें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप अमूल्य वायोबिन का सेवन जरूर करें। अगर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो आप उसमें भी अमूल्य वायोबिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसके जो बेनिफिट्स हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में
थोड़ा थोड़ा जानते हैं कैसे हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। अब जैसे स्लाइड पे मैंने आपको की इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं, हल्दी है, काली मिर्च है जिसे हम अक्सर अपने किचन में यूज करते हैं, तुलसी है जिसको हम एक सेक्रेट प्लांट की तरह पूजते हैं, गिलोय है जिसके बारे में सबने कोविड में बहुत ज्यादा सुना भी है, गुगुल है जो प्राय घरों में यूज भी होती है, अश्वगंधा है जो हमारे प्रोडक्ट हर मोस्टली मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हमारे उसका एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, और हमारे पास एक मोरिंगा है जो 92 न्यूटन यानी इतने इसके 92 जो पोषक तत्व हैं वो यही एक हर्ब है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फैक्ट्स है। तो इन सभी के कॉम्पोजिशन से हमने वायरोविन तैयार किया है, एक 100% नेचुरल फॉर्मुलेशन है जिसके साइंटिफिकली प्रूवन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यूनो बूस्टर प्रॉपर्टीज है, यानी जीवाणु के प्रति विषाणु के प्रति ये एक्ट करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिसर्च बेस्ड है, डेवलप्ड बाय अमूल्य रिसर्च सेंटर द्वारा है। इसमें जितने भी हमारे हर्ब्स हैं और हमारी जितनी भी स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस यानी इसमें काली मिर्च है, हल्दी है, जो हमने स्पाइसेस यूज की है उन सब का जो एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है उनका सबका लिटरेचर हमारे जो प्रोडक्ट है जैसे मैंने अपने हाथ में उठा रखा वायरल के डिब्बे उसके अंदर दिए हुए लिटरेचर में रेफरेंसेस क्लियरली मेंशन है। तो हर चीज का यहाँ पे रेफरेंस है और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने पेटेंट भी फाइल कर रखा है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में। मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि कोविड के दौरान भी हमने इस वायरोविन को मैक्सिमम यूज किया, भले ही जो लोग कोविड से प्रभावित थे या जो लोग कोविड से प्रभावित नहीं थे लेकिन वो हमें इम्यूनिटी पे फोकस कर रखे थे उन सब ने इसका वायरोविन का सेवन किया, और हमने ये तथ्य एडीआर रिपोर्टिंग के माध्यम से भी हमने कॉपी की है जिसमें हमने पाया है कि कोई भी व्यक्ति जो कोविड से प्रभावित था उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कोविड के दौरान भी वायरो कोविड पॉजिटिव आने के बावजूद भी वायरोविन के सेवन के बाद व्यक्ति आइसोलेशन घर में ही रहकर उसने वायरोविन के साथ अपने सिम्टम्स है उसे फ्री हो पाया, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी हमारा जो पेशेंट है हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो आइए थोड़ा और इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि वायरोविन मैंने बात कर रही हूँ, वायरोविन यानी विक्ट्री ओवर इलनेस, विक्ट्री ओवर इलनेस यानी वायरोविन, इसमें हल्दी है, हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसका नाम है कुर्कुमिन। अक्सर हम अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में यही बात कहते हैं कि जो हल्दी है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है कुर्कुमिन, और ये कुर्कुमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो जीवाणु के प्रति माइक्रोबायल चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो उसके प्रति बहुत कार्यशील है। इसमें हमने काली मिर्ची भी डाली है ताकि जो उस कुर्कुमिन के बायो अवेलेबिलिटी का रेट है उसको 2000% ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी आपकी बॉडी में अगर आप सिर्फ कुर्कुमिन का सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन जब आप काली मिर्च यानी उसका जो एक्टिव इंग्रीडियंट पिपरमिंट उसका सेवन करते हैं साथ में तो आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी यानी आपके शरीर में जो कुर्कुमिन की अब्सॉर्बिलिटी रेट है वो 2000% गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये आपकी जितने भी एलर्जीज हैं भले ही वो स्मोकिंग जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी, तो जिनके भी आपके एलर्जीज है किसी भी सॉर्ट की स्मोकिंग से रिलेटेड है तो उसमें आपका जो पैसेज है जो रास्ता है श्वास नली का वो संकरा हो जाता है, तो जिसमें दिक्कत आती है हमें ब्रीथ करने सांस लेने में दिक्कत आती है, तो एक खासियत है वायरोविन की उस पैसेज को वो रिलैक्स रखेगा, उसको जो तना हुआ था उसको स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करेगा ताकि जो हवा का बहाव है वो प्रॉपर होता रहे, और जो हमारी श्वास नली है उसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं अल्वियोली। अल्वियोली क्या होता है, एक बलून एक गुब्बारे के नुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब इन स्ट्रक्चर्स की जो सेल्स है वो डिवाइड करके पूरा भर जाता है तब हमें ऑक्सीजन लेने में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है, तो वायरोविन की ये कैपेसिटी है कि उस अल्वियोली की जो थिकनेस है उसको मेंटेन रखता है, अगर वो सेल्स बढ़ रहे हैं उन सेल्स को पढ़ने नहीं देता,
ये हमारे फेफड़ों में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको लोवर करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो है जो हमारे फ्री रेडिकल को जमाने का काम करता है, यानी वो टॉक्सिन जो वहां पड़े रहे तो दिक्कतों का कारण बन सकते हैं, जिसमें हवा का जो बहाव है वो प्रभावित होगा, जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन है, ब्लड का बहाव है वो प्रभावित होगा, जिससे लंग फेलियर्स या साइटोकिन स्टॉर्म जिसको कहते हैं, साइटोकिन स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब आंधी, कुछ लक्षणों की एक आंधी सी आ जाती है, जैसे कि हम सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में देखने को मिलता है। तो ऐसे लक्षणों को कम करने की क्षमता भी वायलिन रखता है। इसमें सलाइबुगोल है और इसमें कई ऐसे घटक हैं। अब हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैसे काम करता है। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप और मैं एक जूम के माध्यम से कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम अगर हम जनरली भी लोगों की बात करें तो लोग कई सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में, हमारे फेफड़ों में कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक सेंसिंग सिस्टम से, जिसे कहते हैं क्यूएस यानी क्यूरम सेंसिंग सिस्टम। एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, जहां पे बैक्टीरिया एक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारी कितनी जो पॉपुलेशन है बढ़ गई है, हमारे कितने सेल्स हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो वायरविन की क्या कैपेसिटी है, वो वायरविन कैपेसिटी है उस जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रप्ट करना, क्योंकि ये क्यूएस सिस्टम उन बैक्टीरियाज के लिए, उन जीवाणुओं, उन विषाणुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ग्रो करने में, क्योंकि ये एक अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बना लेता है, एक बायोफिल्म बना लेता है। बायो यानी लिविंग, जैविक, फिल्म यानी एक दीवार, एक बायोफिल्म बना लेता है जिससे अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व रखता है, उसको संरक्षण दिए रहता है। लेकिन वायरविन उस बायोफिल्म को डैमेज करने की क्षमता रखता है। जब आपकी इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आपके सेल्स हैं उसमें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, भले ही बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। तो बैक्टीरियल सेल्स पे टारगेट करने से पहले वो उस दीवार को तोड़ने का काम करता है। और एक और खास बात है कि वायरविन चाहे भले वो ग्राम नेगेटिव हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, यानी वो बैक्टीरिया आपने सुन, एक और सिंप्लीफाई करती हूँ, जैसे हम लोग कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें एंटीबायोटिक स्ट्रॉल भी दी जाता है, लेकिन हमें प्रभाव नहीं मिलता, हमें इफेक्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैक्टीरिया था वो उस दवा के प्रति संवेदनशील था, यानी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पर इसमें ये खास बात है वायरविन में कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति कहेंगे कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, सभी प्रकार के बैक्टीरिया इससे प्रभावित होते हैं, भले वो ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो। तो ये खास बात है कि बायोफिल्म को डैमेज करता है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप किए हैं, उन सभी के प्रति वो एक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल्स की पूरी मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब चय उपचय क्रियाएं जो बैक्टीरिया के अंदर चल रही थी, उनका जो सिस्टम ऑपरेट हो रहा था, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इससे वो बैक्टीरिया की डेथ होनी स्वाभाविक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो वायरोबिन तोड़ने का काम करता है। फिर इसमें मोरिंगा है। मोरिंगा क्या है? एक 92 न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा हर्ब है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी है, 92 न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। और इसकी खासियत है ये कितने भी तरह के इंफेक्शन हो उनको फाइट करने में हेल्प करता है। ये ऑक्सीजन विटामिन सी रिच है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, यानी एंटीऑक्सीडेंट यानी वो तत्व जो शरीर में जमे हुए फ्री रेडिकल यानी वो गंदगी के ढेरों को निकालने का काम करेंगे। अगर गंदगी का ढेर नहीं उठा तो वो गंदगी जमा होते होते हमारे अंगों की जो फंक्शनिंग है उसको प्रभावित करती है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल भी है, और एंटी बैक्टीरियल गुण भी रखता है, जिससे आपकी जो सिम्टम्स है अस्थमा के क्यों ही ना हो, खांसी के, या विजिंग, विजिंग यानी जब आप सांस लेते हैं एक विसल नुमा आवाज भी आती है, उसे कहते हैं विजिंग साउंड, वो भी होता है, या अदर कोई भी रेस्पिरेटरी श्वसन संस्थान संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उसकी कैपेसिटी है वायरोमिन की। मोरिंगा का अपना इसमें रोल है, जो आपकी गले में होने वाली इंफेक्शन है, आपकी छाती में आपके जमा हुआ कफ को निकालने का काम करेंगे, ताकि आपकी जो ब्रीथिंग है वो इजी हो सके।
अब मैं जब एंटीऑक्सीडेंट की बात करती हूँ तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मोरिंगा में क्वरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें कैपेसिटी है कि टीबी का भी पेशेंट हो, जिसको टीबी फेफड़ों से रिलेटेड जो टीबी होता है उसमें भी ये सपोर्टिव रोल में दिया जा सकता है। और ये कैपेसिटी रखता है सेल्स की मेम्ब्रेन्स को डैमेज करने की, उसके अंदर जाके उस सेल की जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डिस्ट्रक्ट करने की, उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको तोड़ने की क्षमता रखता है, जिससे अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो सेल फट जाता है, यानी बैक्टीरिया डैमेज हो जाता है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी है, खासियत है मोरिंगा की, कि इसमें 72% ऑफ ऑल हिस्टामाइन, यानी जब भी कोई बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होता है, जब भी जैसे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन होता है, जैसे मधुमक्खी ने काटा, जब मधुमक्खी काटती है तो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज करती है, तो बॉडी भी उसके रिस्पॉन्ड में कुछ केमिकल रिलीज करती है, तो उसे एलर्जी शुरू हो जाती है। तो मोरिंगा यानी वायरोवेन में कैपेसिटी है उस हिस्टामाइन, उस एलर्जी को प्रोड्यूस करने वाले केमिकल को डिस्ट्रैक्ट करने की। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली मोनिटर एलसी लेते हैं या एंटी एलर्जिक्स लेते हैं वो वायरोवेन का सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके 72% ऑफ जितना भी हिस्टामाइन रिलीज होता है उन एलर्जिक रिएक्शंस में उसको नलीफाई करने में हेल्प कर सकता है। और तुलसी के बारे में तो क्या कहने, जिसको हम पूजते भी हैं, तुलसी इसका जो प्रभाव रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। इसको होली बेसल के नाम से भी कहा जाता है और इसमें कैपेसिटी है जो जमा हुआ कफ, जिसको हम फैल्गम कहते हैं, उसको लूज करने की, क्योंकि जब आपके फेफड़ों में कफ जमा रहता है तो उसको निकालने में भी दिक्कत आती है, तब आपको सांस की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो कफ लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो वो निकलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी जो रेस्पिरेटरी इशू है, वो जो सिम्टम है, जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये तुलसी भी आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको सपोर्ट देता है। साथ साथ अगर एस्थमेटिक भी है, आपको खांसी भी छिड़ता है अस्थमा में, तो उसमें भी आप दे सकते हैं, या कोई भी लंग से रिलेटेड डिजीज है जिसमें आपका ESR, हम ईसोफिलिया कहते हैं, वो बड़ा हुआ है, तब भी दे सकते हैं, या किसी भी तरह की एलर्जी कफ हो, सुबह सुबह जैसे जब हमारी फसलें कटती हैं हार्वेस्ट के टाइम अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तब भी ये मैक्सिमम होती हैं, या इस मौसम में भी होती हैं, या फिर दिवाली और दशहरे के आसपास भी होते हैं, जब जो हमारा सीजन है वो चेंज होने लगता है, तब तो टेम्परेचर फ्लक्शन के वजह से जो एलर्जीज मैक्सिमम होती हैं। तो इस दौरान भी जिनको ब्रोंकाइटिस है, यानी नाक से पानी आता है, सुबह सुबह ज्यादा छींके लगती हैं, आंखों से पानी भी आता है, तो उस केसेस में आप इसको भी दे सकते हैं, तो क्योंकि वो एलर्जी ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स को लोअर करने में भी हेल्प कर सकता है। और साथ साथ ये आपकी जो इनर लाइनिंग है, जैसे खांसी करते हैं, इरिटेशन होते हैं, खराश होती है, कई बार तो जलन भी होता है, तो उसमें सूदिंग इफेक्ट भी देता है। तो आपको अगर सीवियर कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, या कंजेशन है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, या कफ है, तो आप इसमें ले सकते हैं। इवन कि अगर आपको फीवर्स भी है तो आप वायरोवेन के साथ फीवर्स को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हैं, फीवर भी है, तब भी आप आयरन को ले सकते हैं। अब आया गिलोय, गिलोय जिसके कोविड के दौरान हमने मैक्सिमम लोगों ने बहुत इसका प्रयोग किया है, गिलोय जिसका दूसरा नाम अमृता भी है, गुरुजी भी कहते हैं, इसके जो पत्ते हैं वो हार्ड शेप होते हैं, लेकिन इसका जो रोल है, बेनिफिट है वायरोवेन में, उसका एक्सेप्शनल इसके जो फीचर्स हैं वो है, एक तो ये कफ और कोल्ड में भी, जहां पर लोगों ने इसका अपना जो ब्लड की इम्यू ब्लड में जो इम्यूनिटी पैरामीटर्स है उनको अपग्रेड करने के लिए लिया था, अब इसमें ये कोल्ड और कफ में होने वाले एलर्जिक रिएक्शन है, वो पॉल्यूशन की वजह से हो, या स्मोक की वजह से हो, या पॉलन में हो, जिसमें जैसे नाक बहता है, या नाक कंजेशन में नाक जमा रहता है, या लगातार छींकें आती हैं, या जो स्राव है वो पतला है, या कफ काफी गाढ़ा निकलता है, या खुजली बनी रहती है, उन केसेस में भी आप आयुर्वेद ले सकते हैं। साथ साथ गले में थ्रोट इन्फेक्शन आए, जो टॉन्सिल्स की जिसको शिकायत रहती है, गले में पेन रहता है, गले में खराश है, उनमें भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो गिलोय है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपके WBC पे काम करती है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपके WBC सेल्स की काउंट को बढ़ाने का काम करती है। और इसमें जो एक अलग सेल होते हैं जो मैक्रोफेजिक एक्टिविटी रखते हैं, यानी किसी भी
जो भी फॉरेन चीज जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जब बॉडी में एंटर करती है, उसको खाने की जो कैपेसिटी है वो एक खास प्रकार के WBC जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजस, उनका काम होता है। तो उनमें भी ये हेल्प करता है, यानी उनमें माइक्रोफेजस की जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ आयुर्वेद ये भी मानता है कि हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर है, जिसे हम आमा कहते हैं, वो हमारी बीमारियों का कारण होता है और वो रूट कॉज होता है उन बुखारों का भी। इसलिए जो वायरोवेन होता है उस आम को, उस अनडाइजेस्टेड मैटर को पचाने का काम करता है, क्योंकि यही आम रक्त वाहिनियों के माध्यम से जब हमारी पूरी बॉडी में जाता है तो हमारे चैनल्स का विरोध करता है, यानी चैनल्स को जो पैसेज है उसको रोकने का काम करता है। तो जो भी हमें ब्लड सर्कुलेशन जितना भी चाहिए वो नहीं मिलेगा, भले ही फेफड़े क्यों ना हो। इसका मतलब फेफड़ों को जाने वाले जो चैनल्स हैं वो क्लीन होनी चाहिए, और अगर क्लीन नहीं है, उसमें जमा हुआ आमा है, अनडाइजेस्ट मैटर है, तो उसको भी खत्म करने की कैपेसिटी वायरविन रखता है, ताकि चीजें अपनी जो एसेंशियल्स है वो हर ऑर्गन तक फ्लो होती रहे और ऑर्गन अपना हर काम प्रॉपर करता रहे। फिर अश्वगंधा है, अश्वगंधा के बारे में सब जानते हैं, ये एडाप्टोजेनिक हर्ब है। जानते हैं ये आपकी बॉडी में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करती है, यानी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आप फिजिकली, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, तब आप बॉडी कितना ऑक्सीजन लेती है उस ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। आपने सुना भी होगा जो लोग एथलीट्स हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा है, वो अश्वगंधा का सेवन किसी ना किसी रूप में करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसके इंटेक से आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो यानी हार्ट, रेस्पिरेटरी यानी फेफड़े, यानी आपके दिल और आपके फेफड़े की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, उनकी मांसपेशियों को जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। जब मांसपेशियां प्रॉपर करेंगे काम करेंगी तो उनको ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलेगी। इसलिए इस अश्वगंधा ये आपकी जो फिजिकली एक्सर्शन के दौरान जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है उसकी अपटेक को बढ़ाता है, मांसपेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो काम करेंगे, इसलिए आउटपुट भी ज्यादा मिलेगी, यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बेटर होगी। साथ साथ ये RBCs यानी जो लाल कण हमारी बॉडी में होते हैं, जिनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि ब्लड में घुल के जाता है, वो हीमोग्लोबिन से बांध कर अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा प्राप्त होगी, पर्याय होगी, तभी अप्रोप्रिएट होगी, तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रॉपर होगा। तो जब हमारी बॉडी में RBCs कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी। इसलिए आपकी बॉडी में RBC जो काउंट है वो एट पार रहे, वो प्रॉपर रहे, इसलिए वायर का सेवन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता रहे, आपकी मांसपेशियां जो एक्सरसाइज कर रही हैं उनको प्रॉपर मिलता रहे, और साथ साथ इसकी रीजुवेनेटिंग और स्ट्रेंथनिंग ट्रेड्स हैं, यानी जिन लोगों को बहुत लंबे समय से फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत है, जिसको हम COPD कहते हैं, उनके लिए ये एक बून है, यानी उनके लिए एक वरदान है। ये सिर्फ टायर्डनेस नहीं रिमूव करता, ये आपके साथ साथ जो ब्रीथिंग ट्रबल्स है, बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, चलते फिरते भी फूलता है, या कफ अटैक्स है, कभी भी चढ़ जाते हैं, खाना खाते तब भी हो जाते हैं, या पानी पीते तब भी हो जाते हैं, तब उन कफ अटैक्स को सबसाइड करने की ये क्षमता रखता है। तो ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत कम हो। ये साथ साथ आपने सुना भी होगा कई लोग ऐसी दवाइयां खाते हैं जिनका प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पे गलत है, यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर ऑलरेडी किसी और मेडिकेशन पे है, किसी भी और बीमारी के रिलेटेड जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वायरोविन का इंटेक अगर ले रहे हैं तो वायरोविन उन दवाओं पे भी काम करता है, ताकि उनका जो प्रभाव है वो हमारे इम्यूनिटी पे कम से कम हो। इसका फोकस यही है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। अब काली मिर्च है, काली मिर्च जैसे सुना होगा खांसी होते हैं तो हम कहते हैं कि काली मिर्च को चूस लो। क्यों चूस लो? क्योंकि इसमें एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टी है, ये कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत बेनिफिशियल है। जो गाढ़ा कफ जम जाता है गले में हो, छाती में हो, फेफड़ों में हो, तो ये उसको पतला करता है, उसको लूज करता है, ये निकालने का प्रयास करता है। साथ साथ जिन लोगों को साइनेटाइटिस है, यानी हमेशा नाक में भारीपन रहता है, आंखों के ऊपर भारीपन रहता है, सर में भी भारीपन रहता है, और ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो
मतलब जिनका जो एनवायरनमेंट है हमेशा कूल रहता है, या जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो एसीज के अंदर है, जो लोग धूप नहीं सेवन करते, या हेरिडिटी भी हो सकता है, तो जिन लोगों को साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि काली मिर्च पिपरीन है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बॉडी में लिया हुआ जो कुरकुमिन है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको 2000% ज्यादा बढ़ा देता है। साथ साथ ये उन एंजाइम्स को भी ब्लॉक करता है जो हमारी श्वास की नली को संकुचित करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स यानी वो हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, वो ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं जो काम कर कर हमारी बॉडी में ही रहते हैं। तो ये एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको वो ब्लॉक करता है, वो एंजाइम्स जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो काली मिर्च की ये कैपेसिटी है कि उन एंजाइम्स की एक्शन को रोकना। अगर हम पूरी इस वायरोविंग की जितने भी डिस्क्रिप्शन अगर हम समराइज करें तो मैं कहना चाहूंगी हम कुछ इंडिकेशंस है जिसमें हम वायरोविंग दे सकते हैं, जैसे किसी की जो इम्यूनिटी कम, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दे सकते हैं, किसी को खांसी हो, कोल्ड हो, फ्लू हो, बुखार हो, वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, या साइनसाइटिस हो, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, किसी को एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, या टॉन्सिलाइटिस हो, इन सब में आप दे सकते हैं। अब इसके डोज को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से प्रभावित है, जैसे हमने कहा कि वायरल इन्फेक्शन है, तो वो व्यक्ति 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे विद वार्म वाटर 2 हफ्ते जरूर ले, या जिसको अपने प्रिवेंशन रखना है, जिसको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है, तो वो 2 कैप्सूल दिन में एक बार गुनगुने पानी के साथ जरूर लें, या जिसको कोई जैसे ब्रोंकाइटिस है, जिसको एस्थमा है, तो वो 2 कैप्सूल 3 बार दिन में ले सकता है खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ। और फिर भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपको वायरल प्रिस्क्राइब करना हो तो एक बार डॉक्टर ऑन कॉल में मुझे जरूर करिएगा, बिकॉज जो डोज है पेशेंट की एज के साथ साथ उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी वो मेडिकेशंस ले रहा है, उसके साथ हमें थोड़ी अप एंड डाउन कर भी सकते हैं। तो इसको बात को जो स्टैंडर्ड हमारी जो डोज है वो बॉटल्स पे भी प्रिस्क्राइब की गई है, और इसका जो लिटरेचर है, जैसे मैंने आपने दिखाया आपको हाथ पे पकड़ के भी, इसके अंदर लिटरेचर है, हर चीज का इसमें वर्णन है, हमारे रेफरेंसेस भी हैं, कहाँ से हमने लिया है, किस फॉर्म में लिया है, और कैसा इसका यूज कर सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट से जितने भी जानकारी आपको किस कोई भी सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे 3 नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं। हमारे डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर 9781269781, और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो भी 01762534300, और पब्लिक रिलेशन मैनेजर का नंबर भी आपकी स्लाइड पे शो किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस स्क्रीन का जरूर स्क्रीनशॉट लें। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पर अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी आई होप ये जितने भी मैंने वायरोविंग रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कई लोगों ने कंप्लेंट की ये स्लाइस नरम नहीं कर रही थी, सो आप सबके डिमांड पे ही दोबारा ये मैंने प्रोडक्ट डिस्क्राइब करने की सोचा।